हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पैनोरमा लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है रॉबिन और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पैनोरमा लर्निंग पे। ठीक है, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि ये जो वीडियो बनने वाली है ये टॉप 80 प्रश्न हैं, यानी 80 क्वेश्चन हैं विज्ञान के, साइंस के। इसमें से आपको जो है 70 मार्क्स से ज़्यादा ला के दिखाने हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये आपके लिए क्विज होगी और हर क्वेश्चन के लिए 4 से 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, फिर उसका आंसर बताया जाएगा, फिर उसकी थोड़ी बहुत व्याख्या बताई जाएगी या उससे रिलेटेड और क्या हो सकता है व्याख्या दी जाएगी। ठीक है, और ये यूपी टेट के लिए है, ये क्लास नंबर 8 है। वैसे इससे पहले 2 वीडियो और आई थी ट्रिक्स की, जिसमें मैंने तना और जड़ की ट्रिक्स बताई थी। ठीक है, और उसके बाद एक और वीडियो आई है जो जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगई, इन सब की ट्रिक्स बताइए कि इनसे कौन कौन सी होने वाली बीमारियां, जिन्हें ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे क्लास 8 है और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी देखिए। यूपी टेट के लिए हमने बहुत वीडियो बना चुका हूँ मैं, बहुत नहीं है लेकिन सिलेबस काफ़ी हद तक कवर करा चुका हूँ एनवायरमेंटल साइंस का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन के आंसर बताने हैं और 4 से 5 सेकेंड मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। ठीक है, देखते हैं आगे। और हाँ, एक बात और, जो हमारे बाल विकास की क्लास है, दरअसल सर की तबीयत ठीक नहीं है तो वो थोड़ा लेट हो रही है क्लासेस, लेकिन जैसे ही वो सर ठीक होते हैं तो अपने जो है क्लासेस का शेड्यूल वो दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, सामान्य विज्ञान है, साइंस की क्विज है। तो प्रश्न नंबर 1 है, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है, रक्त कैंसर का उपचार किया जाता है। पूछा गया रक्त कैंसर जो होता है, रक्त कैंसर ल्यूकीमिया भी बोलते हैं इसे, ल्यूकीमिया। ठीक है, तो किससे करा जाता है, आयोडीन 131 से, सोडियम 24, फॉस्फोरस 60 या फिर कोबाल्ट 60। तो बताइए किससे किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने फॉस्फोरस 60 लगाया। ठीक है, तो रक्त कैंसर का इलाज किससे होता है, फॉस्फोरस 60 से। अभी तो फॉस्फोरस 60 हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड जो और लिखा है, 131, सोडियम 24 और कोबाल्ट 60, ये क्या चीज़ें हैं ये भी देख लीजिए एक बार, किस किस में प्रयोग लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा रक्त कैंसर तो फॉस्फोरस 60 से, ठीक है, जो ये ऑप्शन था। अब देखिए आयोडीन 131 से क्या किया जाता है, थायराइड का कैंसर जो होता है, और सोडियम 24 से रक्त परिसंचरण का जो बीमारी होती है उससे इसको इलाज किया जाता है, और कोबाल्ट 60 में क्या है, जो दिमाग का ट्यूमर होता है, यानी जो कैंसर बोलते हैं उसे, ठीक है, जो माइंड में होता है दिमाग का ट्यूमर, उसमें कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं। और फॉस्फोरस 60 में क्या था, रक्त का कैंसर। रक्त का कैंसर के लिए एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इसे ल्यूकीमिया भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, जो तीखापन जो होता है मिर्च का वो किसके कारण होता है, आपको ये बताना है। 4 से 5 सेकंड मिलेंगे आपको, बताइए। बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने सोचा है, कैप्सिसिन, यानी कैप्सिसिन होता है एक, ठीक है, जिसके कारण मिर्च की तीक्ष्णता होती है। ठीक है, यानी वो तीखी होती है। ठीक है, तो कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च होती है तीखी। अब इसके बाद ऑप्शंस दे रखे हैं कि लाइकोपीन है, कैरोटीन है, एंथोसाइनिन है, इन सब की उपस्थिति के कारण क्या क्या होता है, तो एक बार ये भी देख लो। इसमें क्या है, लाइकोपीन, यानी टमाटर का रंग लाल होता है, टमाटर का जो रंग लाल होता है वो लाइकोपीन की वजह से आता है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। फिर आता है कि गाजर का रंग लाल क्यों है, क्योंकि उसमें कैरोटीन होता है, और गाजर का रंग पीला क्यों है, क्योंकि उसमें एंथोसाइनिन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, सही मिलान करना है आप में, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। विटी कल्चर लिखा है, वेजी कल्चर लिखा है, पिसी कल्चर लिखा है और ऑलरी कल्चर लिखा है। तो बताइए इसमें ऑप्शंस बताने हैं आपको, अगर आप सही बता पा रहे हैं, और फाइनल आंसर, फाइनल में जब क्विज ख़त्म हो गया, जब 80 क्वेश्चंस के बाद, तो आपको अपने टोटल मार्क्स बताने, कितने स्कोर किया। ठीक है, देखिए मैं सही मिलान करके दिखाता हूँ। सी का जो पिसी कल्चर है वो आपको याद रखनी है, ये मछली पालन से है। ठीक है, जो वीटी कल्चर है वो हमारा अंगूर की खेती से है। ठीक है, और ऑलरी कल्चर किससे है, बिल्कुल सही, जो सब्जी खेती से होता है। और बचा हुआ क्या, वेजी कल्चर क्या है, वृक्षों की कृषि, मतलब जो वृक्षों का विज्ञान होता है, कृषि होता है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, ऑलरी कल्चर हो गया सब्जी और खेती से। नेक्स्ट देखते हैं, अगर समझ में आया ये अगला है क्वेश्चन, ये एकदम से बेहतरीन क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। देखो डायनमो है ये, केमिकल का तो इसमें कोई लेना देना नहीं, विद्युत और रासायनिक का, यानी पहले दो, पहला और आखिरी ऑप्शन तो कट गया, बचे दो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो बताइए क्या उत्तर होगा सही उसका।
बिल्कुल सही, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, समझ में आया। चलिए, डायनेमो क्या होता है, वही जनरेटर को ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, ये भी देख लीजिए, विद्युत मोटर जो होती है, इलेक्ट्रिक मोटर, वो किसको किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन क्या है। वायु की गति मापी जाती है बैरोमीटर में, एनीमोमीटर में, हाइड्रोमीटर में या फिर विंड वेन में, तो किस में मापी जाती है बताइए। वायु की गति एनीमोमीटर, ठीक है। और देख लेते हैं जो इसमें टर्म्स दिए हुए हैं, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंड वेन, इन सब से क्या क्या नापा जाता है। जैसे कि आप बैरोमीटर देख रहे हो, वायु दाब मापन है। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापन, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी मापी जाती है लिक्विड्स की हाइड्रोमीटर से, ठीक है। नेक्स्ट है विंड वेन, यानी वायु की दिशा जानने के लिए। और अगर कहीं पे लिखा था हाइग्रोमीटर, इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको कि यहाँ हाइड्रो लिखा है, हाइड्रो HYDRO, और जो इसमें जो लिखा है वो हाइग्रो लिखा है। हाइग्रो से ह्यूमिडिटी याद रखो, यानी आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, और हाइड्रोमीटर से क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड्स की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं, सौर सेल है, थर्मल सेल, सल्फर सेल या फिर सोलर सेल, जल्दी बताइए कौन से होते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल, बिल्कुल सही, सोलर सेल। आसान क्वेश्चन है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। मानव की सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, आपको पता होगा कौन सा होता है, बिल्कुल सही, 25 सेंटीमीटर। जल्दी देखते हैं आगे। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रेषितक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ आपको नाम बताना है। साधारण पानी है, भारी पानी यानी D2O है, द्रव अमोनिया, लिक्विड अमोनिया है या फिर लिक्विड हाइड्रोजन है, तो बताइए क्या होता है। बिल्कुल सही उत्तर, जो अगर आपने चुना है, भारी पानी यानी D2O। अब ये भी जान लो कि क्या क्या होते हैं ये विमंदक और प्रेषितक। जैसे मैंने लिखा हुआ है, इनकी डेफिनेशन तो लिखी नहीं है, लेकिन आपको अगर इंग्लिश में पढ़े हुए हो तो पता चल जाएगा। विमंदक क्या है, मॉडरेटर है, और प्रेषितक हमारा रेफ्रिजरेंट, ठीक है, रेफ्रिजरेंट जो ठंडा करता है ना, जो इसमें न्यूक्लियर रिएक्टरों में प्रयोग होता है ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। वायु प्रदूषक O2 की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त में घुल जाता है, क्या कौन सा इसमें से कंपाउंड है या फिर गैस है जो O2 की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से हमारे रक्त में घुलता है। तो पैन है, CO2 है, CO या फिर O3 है। O3 ओजोन है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता इसका। बिल्कुल सही उत्तर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो हमारे रक्त में घुल कर क्या क्या बनाता है, कार्बो हीमोऑक्सीग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनेन कहाँ से प्राप्त होती है, सिनेमन की छाल से, यहाँ ये सिनकोला नहीं है, सिनकोना है, ठीक है, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से या फिर कत्था वृक्ष की छाल से। जो मलेरिया रोग जो होता है उसमें जो काम आती है औषधि उसको ठीक करने के लिए, वो कुनेन है, वो पूछा कहाँ से मतलब कि प्राप्त की जाती है, तो बिल्कुल सही, सिनकोना। आगे देखते हैं। कैफीन शारब, शारब है ये, जो कैफीन जो होता है यानी जो शारब है वो उपस्थित रहता है केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में, चाय और कॉफ़ी में या फिर नींबू पानी में, तो बताइए किसमें। बिल्कुल सही होता है, चाय और कॉफ़ी में, दोनों में ही होता है कैफीन जो बोलते हैं। अब ये देखते हैं, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था, मतलब कौन सी उसके किसके लिए मिला था, मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए या फिर विशिष्ट ऊष्माओं के सिद्धांत के लिए, विशेष सापेक्षिकता सिद्धांत, बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी के लिए, बताइए किसके लिए मिला था। बिल्कुल सही उत्तर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में, ठीक है, लिखा हुआ है इसमें। अगला देखते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जुड़े हुए हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। जैसे मैं लिखा है, मस्तिष्क ज्वर जो है जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए उपयुक्त तीनों, तो ये आपको ये पता है कि तीनों के लिए उपयुक्त होता है। लेकिन अब देख लेते हैं, जो हमारा मस्तिष्क यानी माइंड है, जो दिमाग है, वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो है अग्र मस्तिष्क और एक है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क में जो 3 भाग हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखिए, सेरेब्रम किस चीज़ के लिए काम आता है, बुद्धिमत्ता या फिर याददाश्त केंद्र होता है, जो चीज़ हम याद करके रखते हैं उसमें, वो सब सेरेब्रम में स्टोर होती हैं, ठीक है। थैलेमस में क्या है, ठंडा और गर्म को पहचानने के लिए। अब देखो, थैलेमस, थैलेमस क्या है, इस किससे आवाज़ आ रही है, थर्मस से।
अब थर्मस में क्या पानी ठंडा रखते हैं गर्म रखते हैं, इसलिए उसको पहचानने के लिए, तो ये तो ट्रिक है बेसिक, थैलेमस से भी याद रख सकते हैं कि ठंडे और गर्म को पहचानने के लिए, ठीक है। फिर है हाइपोथैलेमस, भूख प्यास ताप और घृणा के लिए, यानी अब थैलेमस से भी बड़ा रूप है हाइपोथैलेमस, जिससे हमें भूख का प्यास का ताप का यानी गर्मी का या फिर नफरत के लिए जो भी उपयोग में आता है वो हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम बुद्धिमत्ता के लिए थैलेमस यानी थर्मस, ठंडे गर्म वाले के लिए हाइपोथैलेमस, भूख प्यास के लिए, ठीक है। तो ये किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का। आगे देखते हैं जो पश्चिम मस्तिष्क है वो कौन सा है, देखिए यहाँ लिखा है मेडुला ओब्लॉन्गेटा और सेरिब्लम, ये सेरिब्रम है ऊपर वाला और ये सेरिब्लम है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो मेडुला ओब्लॉन्गेटा किसके लिए, दिल की धड़कन के लिए, ग्रंथि स्त्राव के लिए, उपापाच्य के लिए, या फिर रक्तदाब, आहार नली, या फिर नियंत्रण करता है, ठीक है। और सेरिब्लम क्या है, शरीर को संतुलन करना, ठीक है। सेरिब्लम किसके लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, समझ में आया, तीनों पार्ट, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, एक मिनट, ये तो पढ़ा है, ये देखा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाना, ठीक है, और शेयर आपकी मर्जी है, लेकिन आप ज़रूर देख लो अगर कोई वीडियो देख रहा है तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। प्रश्न नंबर 13 है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया या फिर नाइट्राइट। तो बताइए किस रूप में प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही, नाइट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा है इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, थायमीन है, बेरी बेरी, एक्सकॉर्बिक एसिड यानी स्कर्वी, विटामिन ए वर्णदता, या फिर विटामिन के रक्त जमना। तो विटामिन के यानी रक्त का थक्का जमता है इसकी हेल्प से, थायमीन जो बेरी विटामिन जो है बी है उसके से बीमारी होती है वो बेरी बेरी है, और उसका विटामिन बी का जो साइंटिफिक नेम क्या है, बिल्कुल सही, ठीक है। फिर है एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी है, तो गलत क्या है इसमें, विटामिन ए यानी वर्णदता नहीं होती इसमें, रतौंधी होती है, ठीक है, रतौंधी होती है, जो आँखों की बीमारी है वो विटामिन ए की कमी से होती है, तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा, मतलब सुमेलित जो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ल्यूकीमिया जो अभी पढ़ा था, ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें वृद्धि होती है, यानी पूछा है किसकी वृद्धि होती है, प्लेटलेट्स की, RBC की, WBC की और अस्थि कोशिकाओं की, बताइए किसकी वृद्धि होती है। प्लेटलेट्स को गांव में प्लेट्स बोलते हैं, अगर आपको गांव का बच्चा देख रहा है तो उसे कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर है RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स, तो इसका सही उत्तर WBC होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है प्रश्न 16, रक्त समूह सर्वत्रिक दाता कौन सा, यानी जो दे सकता है सबको वो कौन सा रक्त समूह है, तो बिल्कुल सही बात है, ये सब नहीं है, मतलब इसमें हो कन्फ्यूजन होती तो इन दोनों में, इनमें नहीं होती, ठीक है, ओ या AB, तो मैंने ऑप्शन में भी लिख रखा है, ओ है हमारा यूनिवर्सल डोनर यानी देने वाला, और लेने वाला कौन है, AB, ठीक है, AB जो रक्त समूह है वो लेता है किसी से भी, ठीक है, ग्राही, और ओ जो है किसी को भी दे सकता है, यानी यूनिवर्सल डोनर है ओ। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है जो दृष्टि दोष है, मायोपिया जो होती है, दृष्टि दोष मायोपिया, व्यक्ति देख सकता है, क्या देख सकता है, देखते हैं, नज़दीक नज़दीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, जो दृष्टि दोष है मायोपिया, इसमें व्यक्ति क्या देख सकता है, नज़दीक स्थित वस्तु को, दूर स्थित दोनों को, या फिर कोई भी वस्तु नहीं देख पाता, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ ना दिखे उसे, तो फिर मायोपिया ही नहीं, फिर कुछ और ही होगी बीमारी, तो ये कट गया ऑप्शन। और ये भी नहीं हो सकता कि व्यक्ति मायोपिया में दोनों देख ले, कि दूर का भी और पास का भी, ठीक है, तो इन दोनों में से ऑप्शन होना है, तो बताइए कौन सा होगा, बिल्कुल सही, मायोपिया में नज़दीक की वस्तु ये देख सकता है, ठीक है। तो एक बार ये भी देख लो, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो मायोपिया है वो है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष मतलब इसमें इसका मतलब ये नहीं है, निकट दृष्टि दोष है तो ये इसे निकट का नहीं दिखता, इस इन केस में उल्टा होता है कि निकट वाला ही दिखेगा, ठीक है, जैसे निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं और हमें नज़दीक की वस्तु साफ दिखती है, ठीक है, तो ये दोष तो ये हो गया। फिर इसमें जो दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, अवतल लेंस, और अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है। फिर है एक और होता है हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइपर मायोपिया, ठीक है, इसमें दूरदृष्टि दोष है, इट मीन्स ये दूरदृष्टि दोष मतलब कि दूर की देख सकता है, दोष नहीं है दूर का, देख सकता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होने, तो और इससे ठीक किस किस से करा जाता है, उत्तल लेंस से, और उत्तल लेंस को कॉनकेव लेंस में। चलिए आगे देखते हैं, पता है आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे।
रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त तो दर्पण जो डेंटल डॉक्टर्स होते हैं वो कौन सा लेंस यूज करते हैं? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल या फिर सभी। जैसे कि हमने देख लिया होगा इसमें व्याख्या दे रखी है मैंने, तो कौन सा? बिल्कुल सही, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस। अब थोड़ा इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्यों क्यों यूज़ करते हैं आखिर। देखो ये गोलाकार होते हैं अवतल दर्पण, ये लेंस नहीं था भाई, दर्पण लिखा है, मिरर है, लेंस नहीं है, मैंने गलती से लेंस बोल दिया, अवतल दर्पण है वो। गोलाकार उभरे हुए तल पर पॉलिश, अंदर का जो पॉलिश होता है ना, अंदर का तल परावर्तक होता है, इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है। ठीक है, जो इमेज जो होती है वो बड़ी बनती है, इससे क्या होता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है, यानी जो चीज़ वो देख रहे हैं दांतों को वो बड़ा होकर दिखता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं फिर है इसमें, कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, ईस्ट्रोजन या फिर साइटोकिनिन, तो बताइए कौन सा है। बिल्कुल सही उत्तर, साइटोकिनिन। फिर है पेड़ पौधों में जाइलम मुख्य रूप से जिम्मेदार है आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए, फिर ऑक्सीजन वहन के लिए, तो बताइए किसके लिए वो जिम्मेदार है जाइलम, जो जो पौधों में होता है। देखो तो जाइलम में क्या है, जल जल से जुड़ा हुआ है, इस तरह से याद रख सकते हैं, मतलब जल वहन के लिए। एक फाइलम होता है या फिर फ्लोएम बोलते हैं उसे, वो जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसके वहन के लिए, यानी उसको ले जाता है पौधों के सभी भागों में। आगे देखते हैं, पायरियोलोमीटर का प्रयोग किसे नापने में किया जाता है, पूछा है इसमें। सन स्पॉट है, सोलर रेडिएशन है, हवा ताप को या फिर पौधे के ताप को। जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है पायरियोलोमीटर, किसके प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही, सोलर रेडिएशन। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम जो कि 98.4 होता है, कई जगह 98.6 भी होता है, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होनी, फ़ारेनहाइट में, इसके लिए बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या होगा, 40, 36 यानी 36.89, 35.72, 32.36, तो बताइए। व्याख्या मैंने नीचे लिखी हुई है, इसका सही उत्तर बताना है आपको, क्योंकि एक क्विज चल रही है ये। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर, यानी 36.89, वैसे उसे अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं, है ना। एक बार देख लेते हैं जो मानव का जो तापमान है वो तीनों स्केल्स में क्या क्या होता है, फ़ारेनहाइट में तो 98.4 है, डिग्री सेल्सियस में यही 37 ही है, ठीक है, या फिर 36.89, केल्विन में 310 है, 98.4, 37.37 डिग्री सेल्सियस और 310। एक बार फॉर्मूले भी देख लो, इंपॉर्टेंट है, कई बार कन्वर्जन में आ जाते हैं या फिर ऑप्शन में आ जाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा। तो अगर कोई चीज़ सेल्सियस में दी है और उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट उसमें 273 ऐड करो, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला याद करो, 5F=9C+160, मैंने डायरेक्ट उसको काट पीट के फॉर्मूला बना दिया, इसे चीज़ें डायरेक्ट याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अर्धचालक है, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी या फिर जर्मेनियम, तो बताइए कौन सा अर्धचालक। बिल्कुल सही, जर्मेनियम। फिर है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं, जो बासमती चावल होता है उसमें जो वो पकते हैं तो उसके दाने लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है, किसका ये पूछा है, तो किसके कारण लंबे हो जाते हैं, इसमें बाहुल्य होता है लाइसीन का, ठीक है, लाइसीन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग पता है क्या होगा, वर्णता, रतौंधी, रक्तहीनता या फिर तपेदिक, जो लोहे की कमी के कारण होता है। बिल्कुल सही बताइए, वैसे लिखा है आंसर, आपको पता भी होगा। देखो जितने नंबर आए अपना नंबर बताना जरूर, ठीक है, कि 80 में से कितने नंबर बन रहे हैं। सी है रक्तहीनता, ठीक है, ऑप्शन इसका मतलब सही आंसर, रक्तहीनता को एनीमिया भी कहते हैं, और अगर इसे हमें कम मतलब इसको कम करना है, इसको ठीक करना है एनीमिया को, मांस, अंडे, अनाज या फिर हरी सब्जी खाइए। फिर है, मानव गुर्दे में पथरी बनती है किसकी वजह से, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम बेंजोएट, तो बताइए मानव गुर्दे में पथरी किसके कारण बनती है। बिल्कुल सही, कैल्शियम ऑक्जिलेट। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, चेचक, मलेरिया, हैजा या फिर तपेदिक, बताइए जो जल जनित रोग है, इन सब की ट्रिक्स मैंने बहुत अच्छे से कराई हैं, जल जनित कौन सा, हैजा यानी कि कोलरा। अगर आपने ट्रिक नहीं देखी तो ज़रूर देखना, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, चारों के चारों यानी विषाणु, जीवाणु, फफूंद और कौन सा होता है, और परजीवी, इन चारों की ट्रिक बनाई हुई है एक ही वीडियो में इसी चैनल पर, पनॉर्मल लर्निंग पे। याद ना हो किसी को
जब भी देख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 26 का हैजा, ठीक है। ये बैक्टीरिया से होता है, पानी की कमी, दस्त होते हैं, कौन सा जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, ये भी जान लो कि कोलरा से, नहीं कोलरा नहीं, कोलरा तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं विब्रियो कोलरा नामक जीवाणु होता है जिससे कोलरा होता है, कोलरा यानी हैजा, हैजा, ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, पानी की कमी हो जाती है इसमें, ठीक है, और दस्त वस्त। नेक्स्ट देखते हैं लौंग, लौंग क्या है ये पूछा है। लौंग तने की गांठ है, जड़ की गांठ है, पत्तियां या फिर सूखे फूल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कई बार हमेशा लौंग को हमने वैसे ही देखा है गांठ के रूप में, लेकिन वो होता क्या है, सूखे फूल, ठीक है, अगर नहीं पता था तो जान लो। और क्या है इसमें, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में, लौंग को कौन से वृक्ष से मिलती है ये भी जान लो, ये यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, ये वृक्ष का नाम है। बेसिक हो सकता है पूछ लिया जाए एग्जाम में कि लौंग कौन से वृक्ष से मिलती है, चार ऑप्शन दे देंगे, तो याद रखना कैरियोफाइलेटा। पुष्पकलिका यानी अभी बताया सूखे फूल है ये, जो सबसे बड़ा उत्पादक है लौंग का वो तमिलनाडु और केरल है। नेक्स्ट देखते हैं, एक गिलास पानी, अच्छा क्वेश्चन है बताना, गलत नहीं करना, एक गिलास पानी में कितनी कैलोरी होती है बताइए, 0, 15, 1 या फिर 100, कैलोरी पूछ रहे हैं, तो कितनी होती है, 100, नहीं बिल्कुल गलत, 100 कैलोरी होती नहीं है पानी में, 0, ठीक है, 0 कैलोरी भाई, ठीक है, ऐसी कन्फ्यूजन के लिए बोल दिया था 100, लेकिन होता है कुछ नहीं, ठीक है, 0। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 29, आकाश का नीला रंग क्यों होता है, प्रकाश का प्रकीकरण के द्वारा, मतलब इसकी वजह से, ए ऑप्शन की वजह से, या फिर बी क्या है, प्रकाश का प्रक्षेपण, प्रकाश का व्यक्तिकरण, या फिर सूर्य द्वारा नीला प्रकाश के अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन, तो जल्दी बताइए, बिल्कुल सही, प्रकाश का प्रकीकरण, ठीक है, एक बार जान लेते हैं क्या होता है ये, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जब प्रकाश के कण वायु के अणुओं पर पड़ते हैं, ठीक है, जो सनलाइट जो होती है, और जो हमारे एयर में जितने भी गैसेज हैं उनके कणों कणों पर जो सनलाइट पड़ती है तो उसमें चारों दिशाओं में बिखर जाते हैं, जिसे प्रकीकरण कहते हैं, ठीक है। फिर है नीले रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है, अतः नीले रंग का प्रकीकरण अधिक होगा, नीले रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, वो कम होता है, इसलिए उसका प्रकीकरण ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा आकाश नीला दिखता है। इसमें से पूछा कौन सा तना है, तने वाली वीडियो नहीं देखी तो बेहतरीन वीडियो है, ज़रूर देखना, जीवन भर के लिए याद हो जाएगी। दो ट्रिक बताई थी, एक तो स्टॉप जी थी और एक CBTR थी, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा ट्रिक, आप वहीं जाके वीडियो में देखना, 5 मिनट की वीडियो, ज़्यादा नहीं है, याद हो जाएंगी। लेकिन पूछा इसमें इसमें तना कौन सा है, तो बताइए जल्दी, बिल्कुल सही, यानी कि अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा, कांसा यानी जो ब्रॉन्ज है वो किसका मिश्र धातु है, वैसे इसमें लिख यहाँ लिख दिया तो किसका, कॉपर और SN का यानी कि टिन का, 88% कॉपर, 12% टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है 140 mm Hg में, Hg से क्या तात्पर्य, यानी Hg जो मेटल का नाम है उस कौन सा, उसके फुल फॉर्म बता रहे हैं, उसका साइंटिफिक नेम बताना है, तो बिल्कुल सही मरकरी, और जो सामान्य ताप कितना है, 120/80 mm पर Hg, यानी Hg होता है मरकरी। निम्नलिखित में से कौन सी कार की बैटरी में उपयोग किया जाता है, तो बताइए, Na2SO4, HNO3, H2SO4 या फिर KNO3, जल्दी बताइए, बिल्कुल सही, H2SO4, आसान क्वेश्चन है पता होगा, ठीक है, लेकिन ये जान लो कि H2SO4 को एक नाम से भी पुकारा जाता है, वो है ऑयल ऑफ विट्रॉल। अब क्योंकि गाड़ी की बैटरी में डाला जा रहा है तो गाड़ी में ऑयल भी गिरता है, तो ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि ऑयल ऑफ विट्रॉल, ऑयल कहाँ डालते हैं यानी कि गाड़ी में, तो ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न 34, अब देखिए कार के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण होता है, मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन पूछे थे, जो कार में जो पीछे देखने के लिए जो दर्पण यूज होता है वो पूछा है, एक कार की हेडलाइट्स में जो दर्पण होता है वो भी होता है, ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखो, कार के जो पीछे देखने वाला होता है तो बताइए कौन सा, बिल्कुल सही, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण, कौन सा, ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, प्रतिबिंब इसमें सीधे एवं वस्तु से छोटे बनते हैं, ठीक है, सीधे और वस्तु से छोटे। अब देखते हैं CFL का फुल फॉर्म पूछा है इसमें, बताइए क्या होगा, ए है, बी है, सी है कि डी है, जल्दी बताओ, समझ, राइटिंग तो समझ में आ रही होगी ना, ठीक है, ये मैंने खुद ही बनाए हैं नोट्स, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, सेंट्रल फ्लोरोसेंट लैम्प, केमिकल फ्लोरोसेंट लैम्प या फिर कंडेंस्ड फ्लोरोसेंट लैम्प, तो बिल्कुल सही, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में होता है, तो बताइए, टेफ्लॉन, नियोप्रिन, PVC या फिर गट्टा पर्चा, तो किस में प्रयोग होता है ये, बिल्कुल सही उत्तर, यानी कि टेफ्लॉन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 37 है, WWW का फुल फॉर्म क्या है,
ये साइंस का क्वेश्चन नहीं है, मैंने सोचा फिर भी डाल देता हूँ। तो क्या है वर्ल्ड वाइड वेब? ये जान लो कि WWW के प्रवर्तक थे टिम बर्नर्स ली, यानी इन्होंने इसकी इन्वेंट किया था, खोजा था WWW को, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही मेल करो। सही मेल करो भाई जल्दी से। देखो ये मेल वाले क्वेश्चन बड़े बढ़िया होते हैं और इनमें गलत नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि आंसर हमारे बिल्कुल सामने ही होता है जो इसके ऑप्शंस में। ठीक है, तो देखते हैं सही मेल करने के लिए बोला गया है। इसमें क्या बोला है, विटामिन सी है। इन सब के आगे इसके क्या लिखी गई, बीमारियाँ लिखी गई हैं। देखो सबसे बेस्ट है विटामिन बी की याद रखनी, बी से बेरी बेरी, और भी विटामिन बी से बी है ही, बी से बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी से कौन सी बीमारी होती है जल्दी बताइए। विटामिन बी से बेरी बेरी। अब इन ऑप्शंस को ध्यान से देखो, बहुत इजी ऑप्शंस है। हमें बोला गया डी टू है, डी जो है वो हमारा टू है। इट मीन्स कि किसी भी ऑप्शन में इन तीन ऑप्शंस को छोड़ दें, ए ऑप्शन में सिर्फ डी टू है। ठीक है, तो मतलब ये सही होगा उत्तर, डी टू। ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, क्योंकि और सब ऑप्शंस में डी का 4 दिया था, 1 दिया था, 3 दिया था, लेकिन हमें आंसर क्या था सही, डी का 2। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। अगला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का मैंने जोड़ दिया इसलिए। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी इंडियन कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो बताइए, जम्मू में, जालंधर में, पंजाब में, लखनऊ में, तो कहाँ हुई थी जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, जालंधर, पंजाब। ये अगला नहीं देखना, इसी में देखो, 106वीं पूछी थी अभी। ठीक है, 106वीं यानी 2019 की, वो हुई थी हमारी जालंधर पंजाब में। जो 2020 की होगी 107वीं बोलेंगे और वो बेंगलोर में होगी। 105वीं जो 2018 यानी पिछले साल वाली, वो मणिपुर में हुई थी। ठीक है, मणिपुर इम्फाल में। और 104वीं तिरुपति में। याद क्या रखना है, जो आने वाली है, जो आई थी और जो बीत गई, 18 की, 19 की और 20 की। 20 में कहाँ हो रही है, बेंगलोर में। 19 में कहाँ हुई थी यानी इस साल, जालंधर पंजाब में। और 18 में कहाँ हुई थी, मणिपुर इम्फाल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये भी देख लो, ये भी अच्छा लिखा मैंने, पहली जो हुई थी 1914 में कलकत्ता में हुई थी ये भारतीय विज्ञान कांग्रेस। प्रश्न नंबर 40 है, ठीक है, आधी क्विज हो चुकी है और 40 क्वेश्चन बचे हैं। प्याज को छीलने पर आंसू क्यों आता है? ठीक है, तो पूछा कौन सा ऐसा अम्ल है प्याज के अंदर जिससे वो हमें आंसू आता है? तो सल्फोनिक अम्ल है क्या वो, सल्फेनिक अम्ल है, अमीनो अम्ल है, या फिर कार्बोनिक अम्ल है? तो बताओ कौन सा है। बिल्कुल सही, सल्फेनिक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 41, यानी कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, जल का कथांक बढ़ जाता है, जल का कथांक या फिर घट जाता है, भोजन कम ऊष्मा लेता है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, जल का कथांक बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर क्यों होता है ऐसा। देखो प्रेशर कुकर के अंदर जो होता है वायुदाब दोगुना होता है। ठीक है, जो हमारे बाहर एनवायरनमेंट में जितना होता है उससे दोगुना होता है वायुदाब यानी प्रेशर। तो इसलिए जो पानी जो है लगभग प्रेशर कुकर के अंदर 120 डिग्री पर उबलता है। ठीक है, तो यही कारण है कि उसमें जल्दी से कम समय में खाना तैयार हो जाता है और जल का कथांक भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? देखो आंसर मैंने यहीं पे लिख रहा, अभी लिखा नहीं है, चलो ठीक है इस पे लिखा नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल ऑनेस्ट मार्क्स बताने हैं कि आपके टोटल मार्क्स कितने बने, इससे पता चलेगा आपकी तैयारी का। ऑप्शन है 2, 4, 22 या फिर अनंत। तो बिल्कुल सही उत्तर, अनंत इज द राइट आंसर, यानी कि इन्फिनिटी। बहुत सारे उस पर प्रतिबिंब बनेंगे, तो प्रत्येक प्रतिबिंब परावर्तित होकर एक नया प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त तो पदार्थ कौन सा है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, तांबा या फिर चांदी? तो जल्दी बताओ कौन सा है। बिल्कुल सही उत्तर, तो कौन सा होगा, सिलिकॉन, जो ट्रांजिस्टर में होता है सिलिकॉन। देखो कंप्यूटर में उपयोग सिलिकॉन दो प्रकार की होती है, पी टाइप और एन टाइप, आपको पता होगा। फिर है कैल्सिफ्रॉल रासायनिक नाम किसका है, पूछा कैल्सिफ्रॉल जो है रासायनिक नाम जो किसका है, डी का, सी का, ए का या फिर बी का, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, विटामिन डी का। अगर आप ऐसे आपको पता होगी ट्रिक इसकी क्या है, रथ पर एक टॉफी, रथ पर इसकी जो रासायनिक नेम जो है विटामिन के याद करने के, ए से लेके के तक, रथ पर एक टॉफी। ठीक है, वैसे पढ़ा होगा ट्रिक आपने, नहीं पढ़ी है तो मैं बना दूंगा, वैसे नेट पर पढ़ी हुई है, कहीं से भी देख सकते हैं।
इसका आंसर क्या होगा 44 का, कैल्सिफ्रॉल का डी। अगला देखते हैं, बहुलक ब्लड प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग होती है कौन सी, पॉलीकार्बोनेट है, पॉली यूरेथिन है, पॉलीस्टाइरिन है या फिर पॉलीअमाइड है। तो सही उत्तर क्या होगा, पॉली कार्बोनेट। ठीक है, ये तो हमारा ब्लड प्रूफ खिड़की बनाने में होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्लड प्रूफ जैकेट बनाने में कौन सा यूज होता है, पॉलीअमाइड, जो इसका डी ऑप्शन था ना, लेकिन इसका तो सही है ऑप्शन पॉलीकार्बोनेट है। इसका मैं बता रहा हूँ ब्लड प्रूफ जैकेट का क्या है, पॉलीअमाइड केवलर, जिसे केवलर भी बोलते हैं। अगला है प्रश्न 46, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था किसने, सीवी रमन ने, जेसी बोस ने, ए बी देसाई ने या फिर एच खुराना ने। तो बताइए, ये आपको शायद से पता भी हो, नहीं भी पता हो, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए बी देसाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है कि सेरेब्रल प्लेसी पाल्सी या फिर प्लेसी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है वृद्धों में यानी बूढ़े लोगों में, ड्रग नशेड़ियों में, केवल महिलाओं में या फिर छोटे बच्चों में। तो बताइए किसका सही उत्तर क्या होगा इसका, बिल्कुल सही, छोटे बच्चों में। अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का क्या स्रोत है, पूछ रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल उपग्रह होता है उसमें विद्युत ऊर्जा का क्या स्रोत है। तो बताइए कौन सा उत्तर होगा, पहले ऑप्शन बताता हूँ, थर्मोपाइल, सोलर सेल, डायनमो या फिर लघु नाभिकीय रिएक्टर। तो सही उत्तर क्या होगा, सोलर सेल। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब, राइटिंग समझ में आ रहा है, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, व्यक्ति का एक चौथा या फिर व्यक्ति की दोगुनी। तो बताइए क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर अगर आपने लगाया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, हाफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर निर्वात में। बिल्कुल सही, निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं, ये भी जान लो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे यानी लैटिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इनमें से, अतः इनका संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी इन्हें मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, और निर्वात नहीं देता मीडियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा, ये बताना है आपको। बेरी बेरी विटामिन बी के कारण था। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर, इसका जो उत्तर सही होगा वो मैरास्मस। ठीक है, जो प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, मैरास्मस। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये है बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है, शोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या फिर बहिर्मंडल में। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका, बिल्कुल सही, आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर में। आयन मंडल को जान लो, ऊंचाई है इसकी 80 से 640 किलोमीटर के बीच में। ठीक है, फिर है वायुमंडल की इसी परत से रेडियो की तरंगे परावर्तित होती हैं। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी हरित गैस नहीं है, CO2, CH4, N2 या फिर N2। पूछा कौन सी गैस हरित गैस नहीं है, तो कौन सी नहीं है, बिल्कुल सही, यानी कि N2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 54, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सैद्धांतिक भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा, लेसर भौतिकी, लेसर लेजर या ये अंतरिक्ष अनुसंधान। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, स्तर विकिकरण, वर्ग विक्षेपित विकिकरण, प्रकीकरण विकिकरण, उद्दीपित विकिकरण। तो बताइए कौन सा, बिल्कुल सही, उद्दीपित विकिकरण। ठीक है, एक बार ये देख लो कि लेजर की फुल फॉर्म क्या है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं, तो क्या है लेजर की फुल फॉर्म, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये जान लो कि लेजर की खोज किसने की थी, एक मिनट में हटाया था, हाँ ये आ गया, TH मैनन ने 1960 में की है। ठीक है, TH मैनन ने
1960 में लेजर की खोज की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, डीएनए के द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वॉटसन तथा क्रिक ने, फिशर तथा हल्दानी ने, लेमार्क तथा डार्विन ने, हुंगो डी ब्रिज ने। तो बताइए किसने किया था सबसे पहले जो डीएनए था उसका द्वि हेलिक्स प्रारूप, वॉटसन और क्रिक ने। चलिए अगला देखते हैं, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? द्रवण, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातम या फिर कोई नहीं। तो बताइए किससे होता है। बिल्कुल सही, वाष्पीकरण आपको पता होगा। थोड़ा इसका थ्योरी देखते हैं, होता क्या है कि क्यों ठंडा होता है, इसलिए क्योंकि गर्मियों में आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी कम होती है, पानी जल्दी ठंडा होता है। बरसात के मौसम में आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है तो पानी कम ठंडा होता है, ठीक है, इसलिए बरसात के मौसम में घड़े में पानी नहीं रखते। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? पूछा है एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है, मैग्नेटिक रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन, मैग्नेटिक रिओर्डर इन्वेंशन, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। अच्छे से जान लो, ऑप्शन भी कन्फ्यूजन वाले रखे हैं ताकि आपको क्लियरली याद हो जाए। तो क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। एमआरआई की क्या है, मैग्नेटिक, एम से मैग्नेटिक, आर से रेजोनेंस और आई से इमेजिंग। अगला देखते हैं, सिम का पूर्ण रूप क्या है? खैर आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो मैं भी बता देता हूँ क्या सही होगा, कौन सा होगा। बिल्कुल सही, यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? पूछा कि जो डेंगू का जो बुखार होता है तो किसकी कमी होती है। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा बताइए, हीमोग्लोबिन, नहीं, प्लेटलेट्स की कमी के कारण डेंगू बुखार में मतलब प्लेटलेट्स हमारी कम हो जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 61, दूध का धवल रंग में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो धवल रंग होता है दूध दूध का, वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी, लैक्टोस, एल्ब्यूमिन, कैरोटीन या फिर केसिन। तो केसिन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग होता है धवल, ठीक है। अब दूध में पीला रंग जान लो किसके कारण होता है, पीला रंग किस कारण होता है, कैरोटीन, और धवल रंग केसिन, वो मैंने लिखा, ये क्वेश्चन पूछा ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो प्रश्न नंबर 62 है, लोलक घड़ियाँ, एक मिनट रुकिए, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि जो पेंडुलम होता है वो गर्मियों में क्या होता है, सुस्त हो जाता है। तो गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन आ जाता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए क्या होगा सही उत्तर। बिल्कुल सही, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? तो आपको पता था फंक ने किसका किया था, विटामिन का, 1911 में। ये क्वेश्चन आसान है इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ। अगला है मृग मरीचिका, ठीक है, ये किसके कारण होता है, ये पूछा है। जो मिराज इफेक्ट होता है, इंग्लिश में मिराज इफेक्ट बोलते हैं, ये किसके कारण होता है, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का पूर्व आंतरिक परावर्तन। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही, प्रकाश का पूर्व आंतरिक परावर्तन, अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट हो को यानी सीबीएसई पढ़े हो तो उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 65, ये क्या है, पर्णरहित यानी जो क्लोरोफिल है में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। तो बताइए कौन सा तत्व पाया जाता है, लोहा, तांबा या फिर मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। तो बिल्कुल सही, मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है, मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या फिर द्रव्यमान घटता है। तो बताइए आयतन बढ़ता है कि घटता है, कि द्रव्यमान बढ़ता है कि घटता है। बिल्कुल सही, आयतन जो क्या होता है, वॉल्यूम यानी कि घटता है, ठीक है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घट जाता है, जब द्रव बर्फ बनती है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए जाड़ों की रात में पाइप फट जाते हैं। समझ में आया कि क्या कारण है, कि जब सर्दियाँ होती हैं और सर्दियों में जो पाइप जो होते हैं, ठीक है, वो फट जाते हैं, इसी कारण होते हैं, क्योंकि जब पानी जो होता है द्रव में बनता है और फिर आयतन उसका बढ़ता है तो फट जाते हैं पाइप।
अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंग धैर्य से, तीव्रता से या फिर वेग से। तो बिल्कुल सही उत्तर तरंग धैर्य से। ठीक है, तो इसको एंगस्ट्रॉम में प्रदर्शित करते हैं तरंग धैर्य को, और एंगस्ट्रॉम क्या होता है, ए से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ए से और ऊपर ऐसे डॉट लगी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, आम, पपीता, आंवला या फिर बेर। बताइए सही उत्तर क्या होगा। इस आसान क्वेश्चन है, जो स्कर्वी जो रोग होता है, ठीक है, बताइए, विटामिन सी की वजह से रोग स्कर्वी होता है, उसमें हमें आंवला खाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। बिल्कुल सही, विटामिन का निर्माण नहीं होता, बाहर से मिलते हैं इसीलिए कमी भी हो जाती है, शरीर में निर्माण होता तो कमी होती ही नहीं है ना, तो विटामिन का निर्माण नहीं होता इसलिए हम बाहर से खाते हैं, और विटामिन हमें कोई ऊर्जा भी नहीं देता, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, जो एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी जो होती है, एड्स की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको, AIDS। ठीक है, इसमें लिखा नहीं जा रहा साफ, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशेंसी। ठीक है, सिम्टम्स, एस से सिम्टम है, डी से डिफिशेंसी है, आई से इम्यूनो, ए से एड्स है। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन था कि किससे होता है, जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या फिर विषाणु से। बिल्कुल सही, जो एड्स का जो होता है वायरस होता है, HIV वायरस जो बोलते हैं जिसे, किससे होता है वो, विषाणु से। ठीक है, वायरस ही है, विषाणु तो क्या है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन गैस का मिश्रण है, इंडियन जो गैस है वो किन्हीं दो गैसों का मिश्रण है, आपको बतानी है कौन सी गैस है वो, बताइए जल्दी, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा। ठीक है, बिल्कुल सही, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीनो सेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है ये पूछा है इसमें, अमीनो सेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है, क्या बताता है, भ्रूण के लिंग को पहचानना, अमीनो एसिड के प्रकार को पहचानना, प्रोटीन में अमीनो एसिड के अनुक्रम को या फिर हार्मोन के प्रकार को। बिल्कुल सही, भ्रूण के लिंग को, यानी कि ये एक टेस्ट का नाम है जिससे हमें पता चलता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है यानी लेडीज़ हैं उनमें, उनके स्टमक यानी पेट में लड़का है कि लड़की है, वैसे वो कानून अपराध है। ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, ये तो आसान होगा आपके लिए, पूछा कॉपर से, एल्यूमिनियम से, लेड से, पीबी लेड होता है भाई, सुन लो, पीबी लेड है या फिर टंगस्टन है। बिल्कुल सही, टंगस्टन से बनता है। ठीक है, जो टंगस्टन होता है, जो तंतु होता है बल्ब का, उसे टंगस्टन का बना होता है वो, और इसका आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने, 100 बार परीक्षण किया था, उसके बाद उन्हें सफलता मिली थी, 100वीं बार में सफलता मिली थी, 99वीं बार असफल रहे और 100वीं बार में सफलता मिली और बल्ब का आविष्कार हुआ। ठीक है, इसके द्वारा, थॉमस एडिसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 74वां, धीरे धीरे हमारी क्विज समापन की तरफ है, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, एक सेब छोड़ता है, ये मतलब जो अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है अंतरिक्ष में, वो एक सेब छोड़ता है यानी खाने वाला सेब छोड़ता है, पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति से गतिमान रहेगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा, अधिक गति से गतिमान रहेगा। तो बताइए, चार ऑप्शन पढ़ो खुद से। बिल्कुल सही, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान रहेगा। ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष में तो ग्रेविटी खत्म हो गई ना, इसीलिए उसी गति से रहेगा, उसके पीछे ही सेव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 75, वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, जो हमारा एनवायरमेंटल है, एनवायरमेंट है मतलब, वो अधिक दबाव डालता है लेकिन अनुभव नहीं करते, क्यों, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, हमें इसका अभ्यस्त है यानी हमने अभ्यास कर रखा है, हमारी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत हैं और दबाव सहन कर देती हैं, हमारे सर की सतही क्षेत्रफल बहुत छोटा है। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका, हमारी हड्डियाँ नहीं, हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, यही कारण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो ओशियंस में कोई चीज़ जब नीचे होती है, समुद्र के नीचे होती है गहराई में, तो एक यंत्र प्रयोग होता है, तो उसका नाम बताना है, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सेक्सेंट या फिर सोनार। तो वैसे तो आंसर लिखा हुआ है, अगर आपको पता था तो ही अपने नंबर जोड़ना है इसमें, सोनार इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, ऑप्शंस पढ़ो कौन कौन से हैं, इसके भार के द्वारा,
इसकी ऊंचाई द्वारा, वल्लियों की संख्या द्वारा, या फिर जोड़ों की लंबाई द्वारा। तो सही है बिल्कुल आंसर, अगर आपने चुना है वल्लियों की संख्या द्वारा, यानी कि अगर कोई पेड़ इस तरीके से है, ये सही नहीं बना, एक मिनट रुकिए, यानी मतलब उसकी रिंग्स जो होती हैं उनको गिना जाता है, और हर एक रिंग एक वर्ष को प्रदर्शित करती है। जितनी किसी वृक्ष में रिंग होती हैं उतने वो वृक्ष उतने साल पुराना होता है, ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस में होता है कोबाल्ट? B2 में? नहीं, गलत है, B1 में भी नहीं, B6 में भी नहीं, B12 में कोबाल्ट होता है, B12 में। एक बार इनके साइंटिफिक नेम भी याद रख लो, B12 साइनोकोबाल्मिन, B1 थायमिन, यानी B1 यानी सिंपल बी ही है वो थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, और B6 पायरोडॉक्सिन, ठीक है। जो B1 जो है सिंपल साधारण बी ही है जिससे रोग होता है बेरी बेरी, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 79, किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं? कौन सा हार्मोन है जो लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है? इंसुलिन, एंड्रेलिन, एस्ट्रोजन, या फिर ऑक्सीटोसिन? तो बताइए कौन सा हार्मोन होता है? बिल्कुल सही, एंड्रेलिन हार्मोन। और ये हार्मोन क्या होता है? जो भी हमारी संकट काल में जो परिस्थितियाँ होती हैं, जब इमरजेंसी सिचुएशन आती हैं, तो उस वक्त हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, उन सब में हेल्प करता है ये एंड्रेलिन हार्मोन, और इसलिए इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, एंड्रेलिन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 71 का फाइनली हमारा प्रश्न नंबर 80 आया, जो ख़त्म हुआ, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, मतलब आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस क्विज का। अभी जो जो वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, अभी बताओ कमेंट में लिख के कि आपका स्कोर कितना हुआ, ठीक है। उससे हमें आइडिया लगेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो और कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और अगर आप सीरियसली यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो हमें एक बार ये भी बताओ कि आपके कौन कौन से टॉपिक अभी रह गए हैं, मतलब जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर उसी टॉपिक पर हम वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 80 है, निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी है? बताइए, तितली है, मधुमक्खी है, बिल्ली है, कि पतंगा है? तो बताइए कौन सा होगा, इसके लिए आपको 6 सेकंड दूंगा। बिल्कुल सही उत्तर, अगर आपने मधुमक्खी लगाया, कि बारूदी सुरंगों को पता लगाने में उपयोगी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारी वीडियो एंड होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करके जाना, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और अच्छी सी कोई क्विज होगी या बेहतरीन टॉपिक होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम होती हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि ये टॉपिक पढ़ा दूंगा, एनवायरमेंटल से रिलेटेड, ठीक है। या फिर आप कोई जीके का भी टॉपिक बता सकते हो जो आपको याद नहीं होता। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक ज़रूर कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे एंड बाय।